चेहरे में बहुत ज़्यादा रिंकल्स नज़र आने लगे हों, बहुत ज़्यादा झाइयों की प्रॉब्लम हो गई हो, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा चेहरे पे दाग धब्बे दिखने लगे हों, तो ये सारी प्रॉब्लम दूर करेगा रेमेडी। नमस्कार, वेलकम माई चैनल। आप सब कैसे हैं? मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ खाली बाउल लिया, इसमें डालेंगे 2 चम्मच लगभग। मैंने यहाँ चावल का आटा लिया है। चावल के आटे से हमारी स्किन बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, जो चेहरे पे को टाइट और लाइट बनाता है, जो चेहरे पे रिंकल्स उसे कम करने में मदद करता है और बहुत ज़्यादा स्किन को फेयर बनाता है, तो इसे ले लेंगे। तो इसके बाद थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है। हल्दी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर करता है और इसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं, जो हमारी स्किन में एक्ने के निशान और एक्ने को ख़त्म करने में मदद करते हैं। फिर मैंने यहाँ 1 चम्मच एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को टाइट बनाता है, यंग बनाता है और जो ओपन पोर्स उसे सिंक करने में मदद करता है। बहुत ही अच्छा स्किन में ग्लो आता है इससे। आखिरी में मैंने यहाँ रोज़ वाटर लिया है। इस पैक को हम रोज़ वाटर से बना कर तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 2 से 3 चम्मच लगभग रोज़ वाटर। ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर बनाएगा, टाइट बनाएगा, बहुत ही अच्छा ग्लो देगा हमारी स्किन में। तो इसे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके इसका स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब इसे मैंने अपने चेहरे पर अप्लाई किया है, तो पहले चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद इस पैक को लगा के आप आधे घंटे के लिए छोड़ दें, तो देखेंगे जो भी आपके चेहरे पे डस्ट गंदगी पूरी तरीके से निकल जाएगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगी, स्किन में बहुत ही अच्छा टाइटनेस आएगी, जो भी रिंकल्स की प्रॉब्लम है वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इससे आपके जो भी चेहरे पर दाग धब्बे हैं और जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। यह इस पैक को लगे हुए 1/2 घंटे हो गए हैं। अब हम इसे वॉश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो दिया। देखेंगे स्किन काफ़ी क्लीन, सॉफ्ट और ग्लो आ गया है बहुत ज़्यादा चेहरे पे। इससे आपकी रिंकल्स की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी और आपके चेहरे पर एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाएगा। इसे आप एक बार ज़रूर यूज़ करें।